हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज का टॉपिक क्या हम पढ़ा रहे हैं, सोच के और देख के बताओ क्या पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं संधि। संधि कितने प्रकार की होती है, मैंने आपको बता दिया, तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद मैंने स्वर संधि को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके प्ले लिस्ट में सेव वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने व्यंजन संधि शुरू करी है, जिसका दो वीडियो 10-10 मिनट की अपलोड कर दिए हैं। आज इसका तीसरा वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो होती है। आप जो है एक साथ में दो तीन वीडियो एक साथ देख सकते हैं, इससे कि आपका जो है 4 से 5 वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा संधि। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि पांचवें नियम में कि ता संबंधी नियम, मैंने क्या बताया कि जब ता के बाद चा या छा आए तो ता का चा हो जाता है, और ता के बाद जा झा आए तो ता के बाद ता का कैसे जा हो जाता है, और ता के बाद टा आए तो ता का कैसे टा हो जाता है। वैसे ही सेम बताया था कि ता के बाद अगर डा आए तो ता डा का ता का डा हो जाता है, वैसे ता के बाद ला आए तो ता का ला हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ता के बाद चा छा आया तो ता का चा हो गया, ता के बाद जा झा आया तो ता का जा हो गया, ता के बाद टा आए तो ता का टा हो गया, ता के बाद डा आए तो ता का डा हो गया, ता के बाद ला आए तो ता का ला हो गया। मैंने आपको ता संबंधी नियम बता दिया था। ता के बाद अगर चा छा आता है तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था। जैसे ता के बाद चा आया तो ता का कैसे चा में परिवर्तन हो गया, आप देख सकते हैं। ये वाला नियम तो आपको हम बता दिए हैं, पहला वाला। अब आपको जो है दूसरा नियम बताएंगे, ये वाला, ता के बाद अगर जा झा आए तो ता का जा कैसे हो जाता है। तो चलिए देखते हैं हम अपने दूसरे नियम को इसमें। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ता के बाद अगर जा और झा आए तो ता का किस में परिवर्तन हो जाता है, जा में। ता का किस में परिवर्तन हो जाता है, जा में। तो अब हम इसको देखते हैं, इसके एग्जाम्पल को, कि उत धन उत जमा ज्वल। तो अब ता के स्थान पे क्या आ जाएगा, जा। ता के स्थान पे जा आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, उ जे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, उज जमा ज्वल। अब जब इसको एक करेंगे, मिलाएंगे, जब इनको शब्द बनाएंगे, तो आधा जा को आधा जा है ये भी, और ये भी आधा जा है, और ये वा पूरा है, दोनों व्यंजन तीनों व्यंजन है, तो ये मिलके बन जाएगा उज्ज्वल। उ आधा जा व ले, तो ये हो जाएगा उज्ज्वल। आप देख सकते हैं कि शुद्ध वर्तनी यही होता है उज्ज्वल का, याद रखना, ये हो गया उज्ज्वल। बिल्कुल ऐसे ध्यान में रखना कि आधा जा रहेगा। अब विपत्ति धन जाल, अब इसको देखते हैं कि ता की जगह पे जा कैसे आएगा, तो हो जाएगा बी प जे, बिपज धन जमा जाल। अब ये क्या बन जाएगा, बिपज जाल, क्या बन जाएगा, बिपज जाल। बी वापस छोटी मात्रा, बी प अधजा जा पे आक मात्रा जा ले, ये क्या हो गया, विपद जाल। ठीक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि विपद जाल ऐसे लिखा जाता है। अब सज्जन का देख लेते हैं। अब तो ये शब्द में है, अब ये शब्द में है, अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, जा आया है, यानी कि अगर जा आया है तो ता रहा होगा, तो अब जा की जगह पे क्या लेके चलेंगे, ता। तो पहले आप इसको जो है जा में रहने दीजिए, पहले इसका संधि करिए, तो ये हो जाएगा सज जमा जन। अब मैंने क्या बताया कि जा अगर आया है तो ता रहा होगा, तो फिर ये हो जाएगा सत जमा जन। तो इसका शुद्ध विच्छेद हो जाता है, सत जमा जन बराबर सज्जन। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं कि अगर ता के बाद अगर टा आए, अब ये तीसरा इसमें का देख लेते हैं, कि अगर ता के बाद टा आए तो ता का क्या हो जाता है, टा, इसके बाद वाले में बदल जाता है। तो अब देखिए इसका सत जमा टिका, तो मैंने क्या बताया कि ता है, अब ता के बाद अगर टा आया है, यहाँ पे टा आया है तो ता किस में बदल जाएगा, टा में। अब ये हो जाएगा सत, सट आप इसको लिख दीजिए, जमा टिका, ये ऐसे लिख दिया आप, इसको इस तरह से बदल दिए। अब इसका जब शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टापे बड़ी मात्रा है, तो ये हो जाएगा सट्टिका, क्या हो जाएगा, आधा टा टापे बड़ी मात्रा टी कापे आक मात्रा का, ये हो गया सट्टिका, आप इसको याद रख सकते हैं, ये हो गया सट्टिका। अब हम और एक देखते हैं, तत धन टिका,
तत्धन टिका का कैसे होगा, तो अब ता है और टा है, यहाँ पे टा है यहाँ पे ता है, तब इसको आप बदल दें, ये हो जाएगा तट जमा टिका। अब इसका क्या बन जाएगा, तट्टी का, तट्टी का, ये हो गया तट्टी का ना, ऐसे हो जाएगा। आप बिल्कुल भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। एक और देखते हैं बृहत टिका, थोड़ी जल्दी बताना पड़ रहा है नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाती है, आप लोग प्लीज पूरा देखा करें। तो इसका हो जाएगा वृ ह। अब मैंने क्या बताया था कि ये टा है, अगर अगर ये टा बना है तो ये टा किस लिए, किसके स्थान पे बना था, ता के स्थान पे, अगर ये टा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ता, क्या आ जाएगा, ता, ये हो गया बृहत जमा टिका, यही हुआ ना, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब इसको जब जोड़ देंगे तब जो है ता जो है किसमें भी चला जाएगा, टा में। अब ये हो जाएगा बृहत, बृहत जमा टिका, ये हो गया बृहत जमा टिका। अब इसका ये टूट के ये बनेगा, पहले इसको तोड़ेंगे तब ये बनेगा, इसके बाद टा के स्थान पे ता लेके आएंगे तब ये इधर हो जाएगा, ठीक, आप इसको, तब ये हो जाएगा आपका शुद्ध संधि विच्छेद, ठीक, याद रखना। अब देख लेते हैं ता के साथ अगर डा का मेल होता है, ता के साथ अगर डा का मेल होता है तो क्या बनता है, ता के बाद अगर डा आए, ता के बाद अगर डा आए तो ता का डा में कैसे परिवर्तन हो जाता है, इसको अब देखते हैं। तीसरा वाला इसका है उत जमा डयन, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे ता है यहाँ पे डा है, तो ता का डा में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा उ अधर ड, ये हो गया उड जमा डयन, ये क्या हो जाएगा उड्डयन, उ अधर ड ड यन उड्डयन, लेकिन लिखा कैसे रहता है कॉपी में, ये लिखा रहता है उ अधर ड, ये ऐसे करके उड्डयन, ये ऐसे लिखा रहता है, तो आप दोनों सही है, चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ठीक, दोनों सही है। अब देख लेते हैं सड्डन का कैसे होता है, आप इसका भी बना लेते हैं, आप इसको पहले बता दें, अगर यहाँ पे आधा डा आया है, अगर आधा डा आया है तो पहले यहाँ पे ता रहा होगा, ठीक, यहाँ पे ता रहा होगा, जैसे यहाँ पे अगर डा आया है तो यहाँ पे ता रहा होगा, तो पहले इसको बना लेते हैं, तो इसका हो जाएगा आधा डा, ठीक, पहले यहाँ से बना लेते हैं फिर इसके बाद बताते हैं इसका क्या होगा, फिर ये हो गया डन, ठीक, ये हो गया उड्डन। अब इसको जो है बताएंगे कि ये डा कैसे बना था, पहले यहाँ पे क्या था, सत, सत जमा डन, यही तो बता रहे थे कि ता के बाद अगर डा आए, देखो अब यहाँ पे ता के बाद डा आ गया है, तो ता का मेल किसमें हो जाएगा, डा में, तब ये वाला भाग मिलके ये बन जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक, याद रखना। अब देख लेते हैं अगर ता के बाद ला आए, अब ता जमा ला, अगर ता के बाद ला आए तो ता किसमें बदल जाता है, ला में, ये आप देख सकते हैं। अब इसका जो है देख लेते हैं कि कैसे शब्द बनेगा, तत् धन तत् जमा लीन, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, ता के बाद अगर ला आए तो ता का ला में परिवर्तन हो जाता है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ता अधला जमा लीन, ठीक। अब इसको जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ता और ये ला इसके ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा अधला, ला पे बड़ी मात्रा लीन, ये हो गया तल्लीन, आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा देखते हैं उल्लास, उल्लास, उल्लास कैसे बनेगा, अगर ला है, अगर ला है तो ता आया होगा, तो ये हो जाएगा उत, पहले इसमें बना देते हैं नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा उल जमा लास, आप इसको पहले तोड़ लें आसानी होगी, इसके बाद आप इसका जब शुद्ध बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ला है तो ला के स्थान पे क्या रहा था, ता, ता, ता रहा था, तो ये हो जाएगा उत जमा लास, ये हो जाएगा उत धमा, उत जमा लास, तो सही हो जाएगा उत धमा लास, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं उत, उत जमा लंघन, तो ये हो जाएगा ता है, ता के स्थान पे क्या आ जाएगा, ला, तो ये हो जाएगा ला जमा लंघन, अब इसका क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा उल्लंघन, ये आधा ला हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्लंघन, रुके हम इसको फिर से लिख देते हैं क्या हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ये हो गया उल्लंघन, ठीक, ये हो गया उल्लंघन। अब इसका देख दिखा देते हैं जल्दी से, ये हो जाएगा
छोटा ऊ और आधा ला है और फिर आधा ला, आधा पहले आप इसको आधा ला ही बना लें और ये हो जाएगा लेख। अगर ला है ठीक, अगर ला है तो ता रहा होगा तो ये हो जाएगा उत जमा लेख, ये हो जाएगा शुद्ध उत जमा लेख। ठीक, अब आपको दूसरा नियम बता देते हैं कि अगर ता के बाद पहले क्या आया था, ता के बाद अगर जैसे चा या छा आए, ता के बाद अगर जा झा आए, ता के बाद अगर डा आए या ता के बाद टा आए, ता के बाद ला आए, ये पहला नियम था। लेकिन अब ता के बाद अगर क्या आता है, बस यही लास्ट है, इसके बाद आपका ता से कोई संबंधित नियम नहीं बनेगा। अगर आप यही बुक में देखते हैं ना तो आपको जो है 4-5 पेज में कम से कम ये नियम मिलता है और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर ता के बाद मैं इसको समझा दूंगा, अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी बनेगी तो फिर नेक्स्ट डे इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। जैसे ता है, ता के बाद अगर जो है सा आए, पहला कंडीशन ये देखते हैं कि अगर ता के बाद सा आए तो जो है ता किस में बदल जाता है, चा में, और सा किस में बदल जाएगा, छा में। कन्फ्यूज ना हो एक बार फिर से बता दें कि अगर ता के बाद सा आए तो ता किस में बदल जाता है, चा में, और सा जो है छा में बदल जाता है। वैसे सेम अगर ता के बाद हा आए तो हा जो है किस में बदल जाएगा, धा में, और इसके बाद ता किस में बदल जाएगा, दा में। कन्फ्यूज हो रहे हैं, एक बार आपको अच्छे से थोड़ा और अच्छे वे में समझा देते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, ता के बाद अगर सा आए तो ता जो है बदल जाएगा चा में और सा जो है बदल जाएगा छा में। ठीक, ऐसे सेम यहाँ पे है, अगर ता के बाद हा आए तो ता किस में बदल जाएगा, दा में, और हा किस में बदल जाएगा, धा में। याद रखना, वही तो मैं यहाँ भी बताया कि ता के बाद अगर सा आए तो ता किस में बदल जाएगा, चा में, और सा बदल जाएगा छा में। और यहाँ भी वैसे ता के बाद अगर हा आए, हाँ आए तो ता चला जाएगा दा में और हा चला जाएगा धा में। आपको एक एग्जाम्पल सिर्फ देंगे, इसके बाद कल इसको अच्छे से समझा देंगे। जैसे है मैंने बताया ता के बाद अगर सा आए तो इसका संधि विच्छेद कैसे बनता है, दिखा देते हैं। ता यहाँ पे है और ता के बाद सा यहाँ पे है। अब दिखाते हैं कि ता किस में बदल जाएगा। मैंने बताया था ता जो है चा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सच। आप इसके लिख के इसके बाद हलंत लगा देंगे क्योंकि आधा रहेगा, ये हो जाएगा, और इसके बाद जमा और शाह के बाद छा आ जाएगा, तो मतलब जो ये सा है ये किस में बदल जाएगा, छा में, तो ये हो जाएगा छा, और बाकी सेम वैसे उतार देंगे छास्त्र। ठीक, ये हो गया छास्त्र। अब इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा स। अब ये चा जो है इसे छा के ऊपर जाके बैठ जाएगा क्योंकि आधा है, तो ये पूरा करेगा छा, तो ये हो जाएगा सच्छास्त्र, ये हो गया छस्तास्त्र। अब एक इसका दिखा देते हैं, फिर इसके बाद दोनों का कल और एक एक्सप्लेनेशन देंगे, इसका भी और इसका भी, लेकिन इसको भी एक थोड़ा सा बता दें। जैसे ये है उत जमा हत, उत जमा हत, तो क्या हो जाएगा, आप इसको लिखते हैं, मैंने क्या बताया, ता के बाद अगर हा है, यहाँ पे ता है, यहाँ पे हा है, तो ता किस में बदल जाएगा, दा में, और हा किस में बदल जाएगा, धा में। ठीक, याद रखना, तो ये यहाँ पे हो जाएगा दा जमा, और ये हा किस में चला जाएगा, धा में, ये हो जाएगा धत। ठीक, अब ये हो जाएगा धत, या आधा आधा दा रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको जोड़ के दिखा दें आपको, उ आधा दा जो है इस पे चला जाएगा, ये हो जाएगा उद्धत। ठीक, लेकिन लिखा कैसे जाता है कॉपी में, छोटा ऊ आधा दा रहेगा, लेकिन पहले आप लिखेंगे दा पूरा, इसके बाद धा यहाँ पे लगाएंगे और दा। ठीक, ये हो गया उद्धत, कॉपी में ऐसे लिखा जाता है, ये भी सही है लेकिन लिखा ऐसे जाता है। तो स्टूडेंट कल दोनों का और एक एग्जाम्पल दे देंगे, इसका भी और इसका भी। ठीक, तो अगर आज के लिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज स्टूडेंट लाइक करें, कमेंट करें, बिल्कुल सब कुछ फ्री रहेगा, सब कुछ धीरे धीरे आपका कंप्लीट कर देंगे। तो फिर कल मिलते हैं, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।